दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पानी के बारे में। पानी अपने पौधों को कैसे दिया जाता है ये बहुत आवश्यक है। जैसे ये हमेशा आप ख्याल रखें कि पानी जब डालें तो वही ट्रीट करें जैसे कि बच्चा होता है और बड़ा आदमी होता है। छोटा बच्चा होगा तो उसको कम खाने की आवश्यकता होगी। इस तरीके से जो छोटा पौधा होगा उसको आपको कम से कम पानी देना है। जैसे आपको मैं देखिए बताता हूँ, ये पौधा देखिए बहुत छोटा है, ये वाला ये पौधा जो है तो इसको हमें कम पानी देना है। ये पौधा देखिए उसी ये ज़्यादा बड़ा पौधा है तो हमें यहाँ ज़्यादा देर तक पानी देना है। और ये ध्यान रहे बात नंबर दो कि पानी जो देना है वो देना है या तो सनराइज़ के आसपास सुबह या सनसेट होते समय। गर्मी में पानी नहीं देना है क्योंकि आप जब पानी डालते हैं तो मिट्टी के साथ वो मिल करके गर्म हो जाती है और गर्म होने से क्या होता है कि वाष्प बनती है। तो वाष्प जब बनेगी या तो क्या होगा उसमें। बात नंबर तीन, गुलाब जो घर घर लगाया जाता है, गुलाब को कहा जाता है कि इसके साथ आप जितना होली खेलेंगे उतना अच्छा है। तो इसको शावरिंग बहुत अच्छी लगती है और आइडियली तो नॉर्मल टाइम में सुबह और शाम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो इसमें जो डस्ट आएगी, कीड़े बैठेंगे, वो सब निकल जाएंगे और क्लोरोफिल के लिए पानी की जो आवश्यकता होती है वो इनको इन पौधों से मिल जाएगी। ये रही बात नंबर तीन। पानी डालने का बात नंबर चार जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें क्या होता है लोग जैसे कि ये थर्मोकोल में लगा है तो लोग क्या करते हैं कि ऐसे पानी लगाया और छोड़ दिया। तो इसमें क्या होता है लगाने से कि जो ऊपर की जो टॉप सॉइल है जिसमें कि न्यूट्रिएंट ज़्यादा है ये नीचे चला जाता है। जब नीचे जाना चला जाएगा तो इसको जो भोजन बनाने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको उस सतह तक पानी डालना है जहाँ तक कि मिट्टी गीली हो। पूर्ण जानकारी पानी डालने की नंबर पाँच, देखिए ये है 12 इंच का ग्रो बैग, बहुत ही सस्ता 12 रुपए का। इसमें क्या है कि ये पौधे की एज हो गई है 7 मंथ, तो इसकी जो मैक्सिमम जो रूट जोन है वो है ये नीचे की तरफ। ये देखें जो छेद है, ये देखिए यहाँ से, तो आपको तब तक पानी डालते रहना है इसमें और वो भी चारों तरफ डालना। ये नहीं कि खाली हमने सेंटर में डाल दिया पानी, आपको हर किनारे की तरफ पानी डालना है ताकि जड़ की तरफ चारों तरफ पानी पहुँच जाए। और ये ध्यान रहे कि तब तक डालना है कि जब तक पानी यहाँ नीचे की जो ये छेद बने हुए हैं उसमें पानी निकलने ना लगे। दोस्तों ये रही तो पानी की बात, आइए हम आपको अपना मेथड बताते हैं कैसे मैं पानी डालता हूँ। ये मेरा 20 लीटर का टब है तो टब में मैं क्या करूँगा कि पाइप से पूरा पानी भर दूँगा इसके अंदर में। इसके बाद क्या है कि जो 5 लीटर का हजारा है जितना पानी बच गया वो पाइप से मैंने हजारे में डाल दिया। फिर उसके बाद पौधे में डालते हैं तो इसमें क्या मुझे पता है कि एक पौधे को 2 लीटर पानी लगेगा कि आधा लीटर लगेगा। तो 2 स्ट्रोक में मैं पानी डालता हूँ, पहली बार डाल दिया आधा हो गया, इसके बाद पानी इसमें वेस्टेज नहीं होता है। और चूंकि एक तरफ से मैं डालता रहता हूँ तो फ़ायदा यह है कि बात करते हैं दूसरे मेथड की जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने टैप में जो है पाइप लगा दिया। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जो जिनकी जड़ें काफ़ी नीचे चली जाती हैं तो ये पौधा में पानी डालने का बहुत आसान तरीका है लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसमें धीरे धीरे पानी जो है वो चूँकि वो पानी की धार हल्की है तो धीरे धीरे करके पानी नीचे जाता है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए आप ये गड़े ग्रो बैग में पानी डाल रहा हूँ, ये धीरे धीरे करके पानी नीचे जाएगा। तो पहले मैंने हजारे से डाला, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो पाइप का इस्तेमाल किया। तीसरा मेथड है फोलिएज स्प्रे करने का। ये मेरे पास 2 लीटर का हजारा है जिसमें अलग अलग किस्म के पैटर्न बनते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले पानी मैं ऊपर डालता हूँ, ऊपर से पानी अपने आप नीचे आ जाता है। अगर हम डायरेक्टली इसमें नीचे पानी डालेंगे तो चूँकि जड़ कम होती है तो सड़ने की संभावना होती है, ऊपर से आप स्प्रे करेंगे तो धुलाई अच्छी होती है। तो ये दूसरा मेथड है पानी डालने का जहाँ पौधे की एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और आपको उसका मेन स्टेम दिखाई नहीं देता और मिट्टी भी दिखाई नहीं देती और खाद भी दिखाई नहीं देती,
तो उसमें मैं पौधे को उठा करके जहाँ मेन स्टेम है वहाँ पानी डालता हूँ, और धीरे धीरे, क्योंकि ये 3 महीना पुराना पौधा है तो इसमें जड़ काफ़ी नीचे चली गई है, इसमें फाइबरस रूट पिटूनिया के अंदर में बहुत होती है। ये ट्रेलिंग टाइप मेथड के जो भी पौधे होंगे उसमें ये वाला मेथड बहुत कारगर होता है। तो उसमें आप उठा करके पानी डालें और धीरे धीरे 2-3 स्टेजेस में पानी डालें, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि पूरा का पूरा पानी सही समय पर डल जाएगा।